सो हाय गाइस, इट्स मी टेक्नो कोडिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने ऐसा गेम बनाया है जो आप देख के पागल हो जाएंगे शायद। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये रॉक पेपर सीजर जैसा गेम है। तो अब मैं पहले आपको ये खेल के दिखा देता हूँ कैसे खेला जाता है। तो ये स्टार्ट हो गया मेरा गेम, आप टर्मिनल पर ध्यान दीजिए। ये मुझे दिखा रहा है वेलकम टू स्नेक वाटर गन। तो गेम का नाम है स्नेक वाटर गन। तो मेरी चॉइस होनी चाहिए योर चॉइस प्लीज, स्नेक स्लैश वाटर स्लैश गन। तो मैं स्नेक वाटर गन में से कुछ निकालूंगा और फिर जो रैंडम मॉड्यूल है मेरा वो भी कुछ निकालेगा। तो मैंने इसे रूल्स डिफाइन कर रखे हैं कि अगर मान लो मैंने मैंने गन निकाली और तुमने स्नेक निकाला तो मैं जीत गया। मैंने ऐसे कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं तो आप तो उस हिसाब से गेम चलता है। तो जैसे कि मैंने निकाला स्नेक, तो देखा वाटर यू वॉन, मतलब मैंने स्नेक निकाला और उसने वाटर निकाला और स्नेक ने मेरा सारा पानी पी लिया, इसलिए मैं जीत गया। तो ये रॉक पेपर सीजर जैसा ही गेम है, आपने शायद बच्चों ने कभी खेला हो। तो मैं आपको समझाता हूँ अब ये बनाया कैसे। मैंने सबसे पहले तो मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। रैंडम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये बिल्ट इन हो जाता है 3.6 से आगे वाले वर्जन में पाइथन के। तो इंपोर्ट रैंडम किया मैंने, फिर प्रिंट किया वेलकम स्नेक, वेलकम टू स्नेक वाटर गन गेम। तो मैंने वेलकम किया लोगों को अपने गेम में, फिर यूजर इक्वल्स टू इनपुट योर चॉइस प्लीज स्नेक स्लैश वाटर स्लैश गन। मैंने पहले फिर मैंने इनपुट लिया कि बताओ भाई स्नेक वाटर या गन। फिर मैंने चॉइसेस बताएं कि चॉइसेस क्या होती है। तो चॉइसेस को मैंने लिस्ट में इसलिए लिया क्योंकि लिस्ट में लेना ज़रूरी था, वरना मुझे हर एक का अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए मैंने लिस्ट में ले लिया चॉइसेस को, स्नेक स्लैश वाटर स्लैश गन, मतलब स्नेक कॉमा वाटर कॉमा गन। फिर मैंने कर दिया कि जो रैंडम मेरा, फिर मैं क्या करूँगा कि जो मेरी चॉइसेस है इनमें से मेरा रैंडम मॉड्यूल रैंडम डॉट चॉइस मेरा सेलेक्ट करेगा कि उसको क्या निकालना है। उसे मैंने वेरिएबल में रख लिया वाई। फिर मैंने क्या किया, फिर जो तुम निकालो, मैंने कंप्यूटर को बोला फिर जो तुम निकालो उसे प्रिंट कर देना एक बार। फिर मैंने रूल्स बता दिए, इफ़ वाई इक्वल टू यूज़र, मतलब कि अगर दोनों सेम आ गया तो रिट्राई, और अगर स्नेक आ गया और वाई का वाटर आ गया तो प्रिंट यू वॉन, और वाटर और यूजर का वाटर आया और तुम्हारा गेन आया गन आया तो तुम तो यू वॉन, और गन आया यूजर का और मेरे वाई का स्नेक आया तो यू वॉन और बाकी सब लूज। क्योंकि मुझे बस इतना बताना है एक एक्सपेक्शन और सारे वॉन, वरना सब में तो लूज हो गया ना, क्योंकि मैंने बता दिया कि इसमें यूज़र जीत रहा है और ये एक्सेप्शन है जिसमें यूज़र को रिट्राई करना पड़ेगा, बाकी सब में तो यूज़र हार रहा है, इसलिए मैंने इतना बता दिया। अब इतने में मेरा बन गया स्नेक वाटर गन गेम। मैं एक बार फिर से इसे खेल के दिखाता हूँ। तो इस बार मैं कुछ और वेरिएबल लेता हूँ, इस बार मैं मतलब वेरिएबल नहीं सॉरी मैं कुछ और लेता हूँ, जैसे मैं गन लेता हूँ, ठीक है मैं गन लेता हूँ और इसका आ गया स्नेक, तो मेरा जीत गया मैं, है ना। अब मैं फिर से चलाता हूँ इसे, अब इधर आ गया स्नेक वाटर गन, मैं फिर से अब मैं लेता हूँ वाटर और मेरा आ गया वाटर रिट रहा है। तो रैंडम ने बोला कि तो रैंडम का आ गया मेरा वाटर और मैंने भी दिया था वाटर, तो ये बोला रिट्राई करो भाई, तुम तो कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता, दोनों ने सेम निकाला, मैं रिट्राई करूँगा। तो ऐसे चलता है मेरा गेम। आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे शायद तो देख देख के बना सकते हैं इस गेम को, या तो अपना रॉक पेपर सीजर का एक गेम बना लीजिए। मैंने स्नेक वाटर गन का बनाया तो, और मेरा ये इफ एलिफ स्टेटमेंट से चला है। तो अगर आपको इफ एलिफ या एल्स स्टेटमेंट नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।